हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऑक्लोलमो सोशल से और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन को यूज़ करके एक अमेजिंग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी ऑडियो जो रिकॉर्डेड ऑडियो रहेगी उसको आप कैसे एडिट करेंगे ऑडासिटी में, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ताकि आपके पास में एक अमेजिंग ऑडियो आउटपुट आ पाए। अब मुझे पता है आप लोग में से काफ़ी लोग ये बोलोगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद में कि सर आपने तो जो ऑडियो रिकॉर्ड किया वो एकदम शांति वाले माहौल में था, हमारे घर में तो थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी। तो एक मिनट इसको सुनना ज़रा। ये है एक वीडियो जो मैंने प्ले किया है, यह है फैक्ट्री साउंड जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलता रहेगा और इसी बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ में मैं फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसको ऑडासिटी में एडिट करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस करने के बाद में आपके पास में एक शानदार ऑडियो आउटपुट आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है ये पूरा रिजल्ट, जो पूरा आउटपुट है वो, और आगे इस वीडियो के अब आगे जितना भी आपको आवाज़ आएगी वो होगी फ़ोन की, मतलब आगे जितना भी होगा वो सारा का सारा फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया होगा, क्योंकि मैं इसको अब बंद करने वाला हूँ। उसके पहले कि आगे बढ़े मैं एक सैम्पल रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसमें, ताकि मैं आपको उसी को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो है ईजी वॉइस रिकॉर्डर ऐप, इसका फ्री और प्रो वर्जन दोनों अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री वाले ऐप भी अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं अब इसको एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, पर स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा पॉज देने वाला हूँ, मतलब एक छोटा सा गैप देने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों। चलो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अक्लोलमो सोशल से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफ़ी पास में हैं, लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक। ओके, तो ये हो गई मेरी फाइल रिकॉर्ड और अब हम चलेंगे ऑडासिटी के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। अभी जो रिकॉर्ड हुई है उसका आउटपुट कैसा है, बाद में होगी उसका आउटपुट कैसा रहेगा, डिस्टेंस आपको कितना रखना है, उस चीज़ के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। तो इसको मैंने कर लिया ऑन, मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में और इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, ताकि मेरे पास में कुछ वरी करने के लिए रहेगा नहीं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट देयर। अब जो भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो ये फोन में, जो मुझसे लगभग लगभग 1.5 फुट के डिफरेंस में है, तो ये रहा मेरा फोन और इस पे हो रही है रिकॉर्डिंग, तो आई जस्ट मेबी से कीप इट दिस साइड। अब सबसे पहले हम चलेंगे ऑडासिटी के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज करनी है और क्यों करनी है वो सब चीजों। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ऑडासिटी ऐप को ओपन किया है अपने मैकबुक के ऊपर। इसका फ्री वर्जन आपको अपने विंडोज के लिए भी मिल जाएगा, आपको सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया है जो मैंने रिकॉर्ड किया था सैम्पल फाइल। सबसे पहले आपको नजर आएगा ये पर्टिकुलर पार्ट जो कि है नॉइस, तो जो आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रहा था उस टाइम पे, दैट इज व्हाट दिस इज। और यही रीजन था कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करने के पहले एक छोटा सा गैप देना होता है, ताकि आप इस नॉइस को यूज कर पाएंगे बाकी जो इस पूरे ऑडियो में जो यही नॉइस होगी उसको रिमूव करने के लिए। वो कैसे होगा, आपको नॉइस पे आना है, नॉइस पे आने के बाद में ये नॉइस वाला जो एरिया है कुछ वो सेलेक्ट करना है, वो करने के बाद में आप जाएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे नॉइस रिडक्शन में एंड क्लिक ऑन गेट नॉइस प्रोफाइल। ये करने के बाद में इसने जो नॉइस प्रोफाइल है नॉइस को समझ लिया है, अब आप करेंगे कंट्रोल ए ताकि ये जो पूरा का पूरा ऑडियो फाइल है ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप जाएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद में आप जाएंगे नॉइस रिडक्शन में और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इसको करना है ओके। यहाँ पे एक नंबर आपको मिलेगा नॉइस रिडक्शन का जो कि है 0 से 48 तक, तो कितनी नॉइस रिडक्शन आपको करनी है उस हिसाब से आपको इस बार को एडजस्ट करना होगा। अगर आप कम रखेंगे तो नॉइस रिडक्शन कम होगा और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे मेक श्योर करिए कि ये रिड्यूस के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, बाकी 6 और 3 इसको आप नॉर्मल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में प्रीव्यू करके आप चेक कर लीजिए कि व्हाट इज द नंबर विच इज वर्किंग गुड फॉर यू एज पर जो आपके पास में नॉइस अवेलेबल है बैकग्राउंड में उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लूँगा, चेक करने के बाद में एक नंबर सेट कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझ चुका हूँ कितनी बड़ा ये है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक 25 इज द नंबर विच विल डू रियली गुड और वो मेरी नॉइस को हटा देगा, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। और जैसे ये प्रोसेस होगा आपको यहाँ दिखेगा, जो यहाँ पे मैं एक बार अंडू करके दिखा देता हूँ, ये जो पूरा नॉइस है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे ही मैंने नॉइस रिडक्शन किया यहाँ पे ये पूरा पार्ट चला गया एंड अब जो है आपका जो फाइल है किस तरीके से सुनाई देता है एक बार आप पहले बिफोर देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको आफ्टर बता दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अक्लोलमो सोशल से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में हैं, लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक।
ओके, तो ये थी हमारी फाइल नॉइस रिडक्शन करने के पहले। अब मैं नॉइस रिडक्शन को अप्लाई कर देता हूँ। अब आप सुन लीजिए ये कैसा हो गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल वर्मा सोशल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में हैं। लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक। आप देखेंगे कि इसका जो नॉइस रिडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसने काफी हद तक उसको हटा दिया है। अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे गौर से फुल वॉल्यूम में, तो आपको सुनाई देगा हल्का हल्का नॉइस रिडक्शन अभी भी है, मतलब नॉइस अभी भी है। पर अगर आप ऐसे ही सुन रहे होंगे तो आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप सेम प्रोसेस को दोबारा से कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इसको वापस कंट्रोल ए करते हैं ताकि पूरा का पूरा जो फाइल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद में हम जाएंगे कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जाने के बाद में एक भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। कंप्रेसर क्या करता है, कई बार क्या होता है आपका जो रिकॉर्डेड फाइल होती है उसमें काफ़ी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है मतलब जो क्रेसेंट ट्रफ होते हैं नॉइस के, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ रिकॉर्ड होती है, कहीं ना कहीं कम होती है, तो इसको ये कहीं ना कहीं कंप्रेस करके कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम करके सेम लेवल पे लेके आके जाता है। तो ये होता है कंप्रेसर के लिए। एक बार आप इसको सुन लीजिए कि ये कंप्रेसर के करने के बाद में कैसा सुनाई देता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल वर्मा सोशल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में हैं। लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक। तो जो वॉइस की जो मॉड्यूलेशंस होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से ही एडजस्ट कर देता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक दिस फीचर डज, क्योंकि मैं एक ऑडियो टेक्नीशियन नहीं हूँ, तो इसलिए हो सकता है शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए यहाँ पे। तो अगर आप में से कोई ज़्यादा जानता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। पर हाँ, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। वापस से कंट्रोल ए करेंगे, आप जाएंगे इफेक्ट में। द नेक्स्ट थिंग आई यूजली लाइक टू डू इज़ जो मेरा बेस है, जो मेरे ऑडियो का बेस है, मैं उसको बढ़ाना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो आई नॉर्मली गो टू बेस एंड ट्रेबल, और उसके बाद में मेरा जो बेस है मैं नॉर्मली 20 रखता हूँ। अगर आप चाहें कम बेस रखना तो आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 ही रखने वाला हूँ। वो रखने के बाद में आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई अप्लाई। जैसे आप अप्लाई किया, आपने यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बिफोर था और अब जो आफ्टर है, यहाँ पे काफ़ी बूस्ट कर दिया है इसने जो डेसिबल्स हैं उसको। एक बार ये सुन लेते हैं ये कैसा साउंड करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल वर्मा सोशल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में हैं। लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक। काफी बेटर साउंड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज करेंगे, वापस कंट्रोल ए इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस एंड ट्रेबल यूज ना करें तो आपको करना क्या है, आपको जाना है इक्वलाइजेशन में। इक्वलाइजेशन बनाने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर्व के अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप आवाज़ चाहते हैं, बेस बूस्ट, बेस कट, ट्रेबल बूस्ट, ट्रेबल कट, या फिर अगर आप ये चीज़ें करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वॉकी टॉकी वाली आवाज़ लेके आना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टेलीफोन वाली आवाज़ लेके आना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्पस। मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। आई नॉर्मली लाइक टू गो विद सिंपल बेस एंड ट्रेबल वाला ऑप्शन, इसलिए मैं वो कर दूंगा। कंट्रोल ए मैंने किया हुआ है, इफेक्ट में जाऊंगा। नेक्स्ट प्रोसेस बेस एंड ट्रेबल करने के बाद में है नॉर्मलाइज। जो मेरा जो डेसिबल है, जो हाई पीक है, जो लो पीक है, कई बार क्या होगा, अगर मान लो कि मेरा जो ये पूरा हाई पीक है वो 4 डेसिबल, लो पीक है वो है 1 डेसिबल का, नॉर्मलाइज करने के बाद में ये ऐसे लेवल पे लेके आता है जहाँ पे आवाज़ नहीं फटेगी अगर ज़्यादा है। देखो जैसे यहाँ पे आपको ये हाई हाई कर्व जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो आवाज़ फटेगी। अगर मैं नॉर्मलाइज करता हूँ, मैं यहाँ पे -1 डेसिबल ही रखता हूँ, ओके करूँगा, तो ये देखो जो पूरे के पूरे बार्स हैं वो नीचे आ गए, थोड़ा कम मतलब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, और इस वजह से आवाज़ नहीं फटेगी। तो एक बार आप ये सुन लीजिए कैसा साउंड करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल वर्मा सोशल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में हैं। लेट्स रीच देयर विद इन अ वीक। तो जो हमारा पहला आउटपुट था और जो अभी हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है डेफिनेटली। एंड दिस इज अ नॉर्मल एडिटिंग जो मैं नॉर्मली करना पसंद करता हूँ। अगर आप इसी चीज़ की आवाज़ को थोड़ा बढ़ाना चाहें तो ऑफकोर्स आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली कैन डू इट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगे। अगर लगता है तो प्लीज मेक श्योर जाने के पहले एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट एंड लेट मी नो अगर आपके पास में और भी क्वेश्चन है तो। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी पास में है। लेट्स रीच दे विद इन अ वीक। दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर एंड